गुड मॉर्निंग, केसी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। अब मांग का नियम क्या होता है, देखो यहाँ पर। अब इस नियम का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में किया था। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर मार्शल ने। और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। अब मांग का नियम क्या होता है? अब मांग के नियम के लिए हमको ना एक छोटी सी बात समझनी होगी। देखो वो छोटी सी बात क्या है, अन्य बातें समान रहने पर। क्या रहने पर? अन्य बातें समान रहने पर। ये मांग के नियम की परिभाषा की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है। क्या होती है? बहुत इम्पोर्टेंट लाइन होती है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अन्य बातें समान रहने को सेटेरिस पेरिबस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेटेरिस पेरिबस। देखो यहाँ पर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो गई तो उसकी मांग मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग मात्रा घट जाएगी। अगर वो मार्केट में महंगी हो गई, मतलब उसकी कीमत में वृद्धि हो गई, तो उसकी मांग मात्रा घट जाएगी। इसे ही मांग का नियम कहा जाता है। देखो अब यहाँ पर हम मांग के नियम को और अच्छे से समझेंगे, देखना यहाँ पर सभी। हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है? एक्स वस्तु की एक मांग मात्रा लिख रखी है। डी एक्स आना होता है एक्स वस्तु की मांग मात्रा। फिर यहाँ पर है ये सभी मांग निर्धारक घटक। क्या होगा? ये सभी मांग निर्धारक घटक। देखो अब हमें क्या करना है, जो एक्स वस्तु की कीमत है मतलब पी एक्स, इसको छोड़कर सभी को क्या रखना है? स्थिर। सभी को क्या रखना है? स्थिर। जिसे ये कहा जाता है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का मतलब, ये लाइन का मतलब हो गया, अन्य बातें समान रहने पर ये सभी घटक क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। केवल परिवर्तन किस में होता है? एक्स वस्तु की कीमत में। तो किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर, अगर किसी वस्तु की कीमत में क्या हो गई? कमी हो गई, तो उस वस्तु की मांग मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में सस्ती हो गई। और अगर उसी वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, तो मार्केट में महंगी हो गई तो लोग उसे खरीदना क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो उस वस्तु की कीमत में, उस वस्तु की मांग मात्रा में क्या हो गई? यहाँ पर कमी हो गई। देखो ये मांग का नियम या पूरा जो मांग टॉपिक है थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, क्योंकि हर एक टॉपिक में सब एक जैसी ही बातें होती हैं। तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होना है, जस्ट रिलैक्स होकर समझना है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उसकी मांग मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी हो जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है? मांग का नियम कहा जाता है। देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, अपोजिट। तो इसलिए यह कह सकते हैं कि नियम के फलस्वरूप, नियम के फलस्वरूप कीमत व मांग के मध्य विपरीत ऋणात्मक संबंध होता है। क्या होता है? विपरीत ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, आगे देखो। अब ये तो हमने पढ़ा मांग के नियम की परिभाषा, अब इसमें हम और बातें पढ़ेंगे। देखो यहां पर आज हम एक चीज और सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स में डायग्राम कैसे बनाया जाता है, विद डाटा, डाटा से डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो देखो यहां पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है, एक टेबल ले रखी है छोटी सी, जिसमें प्राइस वस्तु की कीमत दे रखी है और उसकी मांग मात्रा दे रखी है, यानी क्वांटिटी दे रखी है। देखो यहां पर अब हमारे मांग का नियम कहता है जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मांग मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यहां पर देखो अब किसी वस्तु की कीमत, एक दो तीन चार पाँच कंटिन्यू कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग मात्रा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। देखो दस आठ छः चार और दो, देखो एक रुपये कीमत थी तो दस मांग मात्रा थी, दो रुपये कीमत बढ़ गई तो देखो मांग मात्रा दस से घटकर कितनी हो गई? आठ हो गई। तो यही तो हमारा क्या कहलाता है? मांग का
नियम। अब हमें इस टेबल को किस में शो करना है, हमारे डायग्राम में शो करना है। तो देखो यहाँ पर, अब डायग्राम में कैसे शो करेंगे, आपको जैसा कि पहले बता रखा है कि नीचे हमेशा एक्स अक्ष पर हमेशा क्वांटिटी ही आएगी। क्वांटिटी आने मतलब क्या हो गया, मांग मात्रा, हमेशा मांग मात्रा आएगी। और वाई एक्स पर क्या आएगा, यहां पर वस्तु की कीमत, प्राइस। तो देखो बिल्कुल ग्राफ जैसे चलना है, बट हमको इकोनॉमिक्स में ओरिजिनल ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती, आप बेसिक कॉपी पे भी आराम से इसको बना सकते हो। देखो हमने यहाँ पर क्या, देखो डाटा ले रखा, क्वांटिटी दे रखी 2, 4, 6, 8, 10। ग्राफ का नियम वही रहेगा कि हमेशा डिफरेंस सेम होने चाहिए, और वस्तु की कीमत 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ देखेंगे हम डायग्राम कैसे बनाना है। अब जब 1 रुपये कीमत होती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा कितनी होती है, 10। तो आप पहले प्राइस पे जाओ, 1 रुपये, प्राइस कहाँ है, ये रही, फिर 1 रुपया कहाँ है, ये रहा साहब। तो इस सीध में मुझे, मतलब इस लाइन में मुझे डायग्राम बनाना है, डॉट लगाना, मेरा पहला डॉट लगाना है। तो देखो 1 रुपये, तो बताओ क्वांटिटी कितनी है उस समय, 10। तो यहाँ पर इसी लाइन में मेरे को जाना है, ये पहला डॉट मिल गया मेरे को, क्या मिल गया मेरे को, मेरा पहला डॉट मिल गया। तो यहाँ देखो, अब हमारी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है, देखो अब हमारा जो दूसरी डिजिट है, वो दूसरी डिजिट क्या है, 2 रुपये। देखो अब 2 रुपये होते हैं तो मांग मात्रा कितनी हो जाती है, 8। तो देखो ये 2 रुपये, तो अब मांग मात्रा क्या हो गई हमारी, 8। बिल्कुल इसी की लाइन में ही लगाना है, ठीक है, कॉपी में बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा आपसे। फिर 3 रुपये होते हैं तो कितना, 6। क्वांटिटी कितनी होती है हमारी, 6। 4 रुपये होते हैं तो क्वांटिटी भी कितनी होती है, 4, ठीक है। 5 रुपये होते हैं तो क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 2। तो देखो इसी तरीके से हमारा एक डायग्राम बनेगा, एक लाइन बन गई सीधी, जो कि कहलाती है, जो दर्शाती है मांग को, क्या दर्शाती है, मांग को, ठीक है। तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, डी, डिमांड नाम दे दिया। तो ये था हमारा मांग का नियम, उसका अर्थ, उसकी टेबल और उसका डायग्राम। अगर आप रफली बनाना चाहते हो तो आप सीधा सीधा यहाँ पर बेसिक एक डायग्राम बना सकते हो, अगर आप रफली बनाना चाहते हो तो। ओके, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मांग के नियम के अपवाद। अब एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं देखना है यहाँ पर। पहले तो बताओ अपवाद क्या होता है। अपवाद बेसिकली फ्रेंड्स ग्रुप में शो होता है कि भाई अपवाद हो आप, तो भाई तू तो अपवाद है, अपवाद नहीं चलते हमारे यहाँ पर। अपवाद का मतलब होता है कि वह चीज़ जो उस जगह पर लागू नहीं होती हो, ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें जो उस जगह पर लागू नहीं होती हो, वो कहलाते हैं हमारे अपवाद, यानी एक्सेप्शंस। क्या कहलाते हैं, एक्सेप्शंस, अपवाद। तो देखो वो ऐसी 5 बातें जो मांग के नियम में लागू नहीं होती। कितनी बातें हैं ऐसी, 5 बातें हैं जो मांग के नियम में लागू नहीं होती हैं। सबसे पहली बात बताओ, सबसे जो पहली बात है वो लिख रखा है प्रतिष्ठा सूचक अर्थात हीरे जवाहरात व महंगे आभूषण। इसका मतलब होता है कि जो हाई क्लास वाले लोग होते हैं, जो अगर इन शॉर्ट वाले जो बहुत अमीर होते हैं, वो ही इन वस्तुओं को खरीदते हैं। प्रतिष्ठा सूचक मतलब हीरे जवाहरात व महंगे आभूषण, इनकी कीमत में जितनी वृद्धि होती है यह लोग उतनी ही इस इनकी मात्रा को बढ़ाते हैं। और जैसे ही इनकी वस्तु की, इन हीरे जवाहरात व महंगे आभूषण की कीमतों में कमी हो जाती है, तो अमीर लोग उसको खरीदते भी नहीं हैं। तो ये हमारे मांग के नियम के क्या जाता है, विरुद्ध जाता है। क्या जाता है, मांग के नियम के विरुद्ध जाता है। तो कीमत बढ़ती है तो साथ साथ में मांग मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो कि मांग के नियम के क्या है, खिलाफ है। अब दूसरी बात क्या है, देखो दूसरी बात है उपभोक्ता की अज्ञानता। अब उपभोक्ता की अज्ञानता क्या होती है, अब उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में इस वस्तु की कीमत कितने रुपए,
वो तो जितने जितने उसने बोले वो दे के आ गया, तो इसलिए वो क्या कहलाती है, उपभोक्ता की अज्ञानता। जैसे मार्केट में कोई ऐसी नई वस्तु आई, अब नई वस्तु के बारे में नहीं पता होता है कि इस वस्तु की कीमत कितने रुपए, अब उसने बेसिक रेट से भी उसकी बहुत ज़्यादा रेट ले ली, तो हमने तो ज़्यादा ही खरीद ली, हमको क्या लगा सस्ता है ये, तो इसलिए क्या कहलाता है, उपभोक्ता की अज्ञानता भी मांग के नियम के अपवाद का हिस्सा होती है। फिर तीसरी बात क्या होती है, संकटकालीन समय। अब संकटकालीन समय का मतलब क्या हो गया कि बाढ़ भूकंप, क्या हो जाता है बाढ़ भूकंप या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिस सिचुएशन में हमको क्या करना होता है कि उस वस्तु की कीमत भले कितनी ही बढ़ जाओ, जैसे अनिवार्य वस्तु, जैसे कौन सी वस्तु हो गई यहाँ पर अनिवार्य वस्तु, उस वस्तु की कीमत कितनी ही बढ़ जाओ मजबूरन हमको वो खरीदनी ही पड़ती है, मजबूरन क्या करनी पड़ती है, हमको खरीदनी ही पड़ती है, तो ये कहलाता है संकटकालीन समय। अब चौथी बात क्या होती है, गिफिन की वस्तुएं, क्या होती है गिफिन की वस्तुएं। ये गिफिन जो वर्ड है ना, ये कोई वस्तु नहीं है, ये तो एक अर्थशास्त्री का नाम है। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कुछ ऐसी वस्तुएं बनाई थी जिनसे वो जिससे मांग का नियम लागू नहीं होता था। अब गिफिन की वस्तुएं देखो, अब गिफिन की वस्तुएं क्या होती है, मांग के नियम के बिल्कुल विरुद्ध जाती है, कि जैसे जैसे अगर कीमत बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी कीमत, तो उस वस्तु की मांग मात्रा भी बढ़ेगी, और अगर उस वस्तु की कीमत घट जाएगी तो उस वस्तु की मांग मात्रा भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जो कि मांग के नियम के बिल्कुल विरुद्ध होती है। यहाँ देखो नेक्स्ट पांचवी बात कौन सी है हमारी, अब पांचवी बात है अन्य ऊंचे मूल्य वाली वस्तुएं। इसका मैं सीधा सा एग्जांपल लेके जाता हूं कि जैसे पाउडर, क्रीम, सजावट आदि वस्तुएं, ये ऐसी वस्तु होती है जिनकी कीमत बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोलते हैं ना कॉस्मेटिक आइटम्स, कौन सा आइटम हो गए, कॉस्मेटिक ऐसा आइटम हो गए जिनकी कीमत बढ़ने से उस उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ ऐसा आइटम होते हैं जो मांग के नियम के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं, कि जैसे पाउडर, क्रीम, इनकी कीमत अगर बढ़ भी गई तो भी इनके मांग के मांग की मात्रा में कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, उतने ही लोग उसको खरीदेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आज की क्लास ओवर।